1965 से ये दुकान है यार। और यहाँ पे जो मैंने सुना है मीट मिलता है ना, जो इनके मटन के टिक्के मिलते हैं, जो मटन की चाप मिलती है, वो बहुत बढ़िया होती है। देसी घी में सारी की सारी इनकी प्रिपरेशन होती है। सबसे बड़ी बात है एक चीज़ और, ये जो कोयले की आंच पे बनाते हैं ना, उसका एक अलग ही फ्लेवर निकल के आता है। आज तक मैंने जितने भी मटन टिक्के या मटन खाया उसमें से ये नंबर वन है। ओए होए 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 होए। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। ये है दीपक, मैं हूँ यतिन। आज हम आपको कहाँ लेकर आए हैं भाई? भाई हम आए हैं अमृतसर की गलियों में, अमृतसर की गलियों में गिलवाली गेट चौक चबूतरा में। अगर आपने आके मोहन मीट पे मीट नहीं खाया ना आपने, तो मेरे ख्याल से अमृतसर आके आपका जो खाना था ना वो अधूरा रह गया। 1965 से ये दुकान है यार। और यहाँ पे जो मैंने सुना है मीट मिलता है ना, जो इनके मटन के टिक्के मिलते हैं, जो मटन की चाप मिलती है, वो बहुत बढ़िया होती है। देसी घी में सारी की सारी इनकी प्रिपरेशन होती है। सबसे बड़ी बात है एक चीज़ और, ये जो कोयले की आंच पे बनाते हैं ना, उसका एक अलग ही फ्लेवर निकल के आता है। और साथ में लाल मिर्च किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, ये कहते हैं कि 2-2.5 साल का बच्चा भी उनकी चीज़ें खा सकता है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, इनके ऑनर के पास चलते हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और आपको यहाँ का जायका बताते हैं कैसा है। तो भाई अब मैं आपको मिलवाता हूँ मोहन मीट के ऑनर से, जिन्होंने 1965 में इस दुकान की शुरुआत करी थी। अपने डैडी के साथ मैंने काम किया और 6 महीने अपने भांडे भी धोए हैं अपने काम में। अच्छा। और लगन साथ काम किया है हमारा, 1965 का काम है। और हमारा एड्रेस है गरवाली गेट चौंक चबूतरा। असी मटन टिक्का, मटन ब्रेन, मटन चाप, चिकन, कीमा कलेजी, गुरदे कलेजी, ये आइटम अभी शुद्ध बनाते हैं। और शुद्ध देसी घी में बनाते हैं, तो देसी घी में फ्राई करते हैं। अब आप ये बताओ हमें खिलाने क्या वाले हो? हाँ हम चाप खिलाने लगे हैं गाय को। अच्छा, चाप खिलाओगे? हाँ जी, मटन टिक्का, मटन बिरयान। तो आप मेरा मटन लगाओ, मटन टिक्का लगाओ और चाप लगाओ। तो मेरे को एक बार प्राइस बता दो, क्या कॉस्ट करता है ये? जे ना रेट वादा घटता रहता है। अच्छा। अभी मीट का रेट वादा है, हमारा रेट वही है, 270 की प्लेट भेजते हैं हम। अच्छा। मटन चाप, मटन टिक्का, ब्रेन, ये सारा 270 हुआ। अच्छा। ग्रेवली चाप की 320 रुपये प्लेट। अच्छा। और जो मटन है? मटन की सारा 270 है, मटन मटन टिक्का 270 रुपये प्लेट है, ते चिकन 170 हुआ। ठीक है। तो और ये क्या टाइमिंग है इसकी, कितने से कितने बजे तक खुली रहती है? सुबह 12:15 से लाके रात 9:30 तक। भाई मोहन मीट पे अगर आपने आना ना, तो आप आ सकते हो। दोपहर को 12:30-12 बजे खोलते हैं, रात को 9:30-9 बजे तक खुली रहती है। तो भाई अपनी हाइट में लगवाते हैं इनसे, जो इनको हमने आइटम बोली है, और टेबल पे जैसी आती है तो वो आपको दिखाते हैं। तो भाई फाइनली ना टेबल हमारी सज चुकी है, टेबल पे आ चुकी है ये मटन की चाप। ये देखो ये चाप है भाई, ये देसी घी में फ्राई करी है इन्होंने। भाई साथ में हमने लिए मीट इनका तरी वाला, जो कि तवे पे इन्होंने तरी डाल के इसको फ्राई करके हमें दिया। तो ये है इनका स्पेशल स्पेशल स्पेशल
मटन टिक्का, इनकी सारी की सारी जो प्रिपरेशन है प्योर देसी घी में है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये देखो चटनी देखो कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, खाने में इसको देखता हूँ, सबसे पहले इसी को ट्राई करता हूँ कि खाने में कैसी है। ओए होए 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 भाई, इनकी जो चटनी है ना वाकई में बहुत बढ़िया। अब आते हैं सबसे पहले मटन पे, मटन चाप टेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं यतिन जी? बिल्कुल करते हैं, जिसके लिए स्पेशल यहाँ पर आए हैं घूम घूम कर। चाप देखो यार, इसकी एक बाइट बनाता हूँ मैं ये चटनी के साथ। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त टेस्ट है, इतने अच्छे से इन्होंने फ्राई कर रखी है ना देसी घी में कि मज़ा आ गया इसे खा के। और इसको एक बार बिना चटनी के ट्राई करता हूँ। ओए होए होए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, मतलब इतनी बढ़िया लग रही है ना ये खाने में, क्रिस्पी वन बहुत बढ़िया आ रहा है इसमें। जो भी ये मसाले यूज़ करते हैं ये अपने खुद के हैंडमेड होते हैं, कुछ भी चीज़ ये बाहर से परचेज नहीं करते, जो भी देते हैं रॉ लेके उसको खुद अपना बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लाल मिर्च आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगी, किसी भी चीज़ में आपको लाल मिर्च नहीं मिलेगी यहाँ पे, लाल मिर्च ये यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ ग्रीन चिली हरी मिर्च यूज़ करते हैं। भाई मैं तो इनका मीट ट्राई करने जा रहा हूँ, मुझे मीट देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही थी। ये भाई मैंने एक पीस उड़ाया, ये रखा रोटी पे, मैं करूंगा इनका मटन टिक्का, जिसके लिए स्पेशल यहाँ पर मैं आया हूँ। भाई अमृतसर में आप आओगे ना तो आपको खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा, पर ये जो खाना है ना यहाँ पे, अगर आप आए और इनका मटन नहीं खाया ना तो मेरे ख्याल से आप अमृतसर अच्छी तरह से घूमे नहीं अभी। ओ भाई साहब, सच में अगर जन्नत है ना तो यही है भाई, खाना एक नंबर। ये देखो मटन का जो स्वाद आ रहा है ना वो बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल हल्के मसाले। सही बात है कि दो ढाई साल का बच्चा भी आगे खाना चाहे ना तो वो यहाँ पे खा सकता है। कुछ टेस्ट ना ऐसे होते हैं, कुछ स्वाद जो है ऐसे होते हैं जो मुंह पे जाने के बाद ना जिंदगी भर याद रहते हैं, ये टेस्ट ना उनमें से है। इट्स अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया। मैं कह रहा हूँ आज तक मैंने जितने भी मटन टिक्के या मटन खाया उसमें से ये नंबर वन है। करते हैं इनका मटन ट्राई, क्या यार जूसी मटन, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत बढ़िया। भाई अब मैं इनका ट्राई करता हूँ ये मटन टिक्का, जिसकी यतिन ने काफी तारीफ करी है। ये मैंने बढ़िया सी बाइट बनाई मटन टिक्के की। ओए होए होए, मतलब वाकई में अगर मटन लवर हो ना तो भाई यहाँ पे जरूर आना, कहाँ पे? मोहन मीट वाले पे, जो इनका मीट है ना वाकई में बहुत बढ़िया, गजब है गजब। तो भाई जब तक हम ये फूड ट्राई करते हैं ना आप हमारी वीडियो एंजॉय करो, मिलते हैं उसके बाद। भाई खाना तो हमने इनका ट्राई किया, खाना वाकई में बहुत बढ़िया था, सारा का सारा देसी घी में बना हुआ था और उसका फ्लेवर हमें पता चल रहा था कि देसी घी में। लाल मिर्च ये यूज़ नहीं करते जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। भाई मोहन मीट पे अगर आपने खाना है ना तो आपको आना पड़ेगा गिलवाली गेट चौक चौबारा अमृतसर में, सुबह 12:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक इनकी शॉप खुली रहती है। और जो इनका खाना है ना, जो भी आइटम्स हैं वो एक नंबर है भाई, बहुत बढ़िया।
रेट्स मैंने आपको बता दिए थे इसके, होप करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एज यूजुअल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।